न इसका महिमा मंडन करना, न ही इसे नकारना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शरीर की अपनी जरूरतें हैं, जैसे कि शारीरिक भूख है, वैसे ही कामुकता है। आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है, पर किस हद तक ये आपको चुनना है। देखिए, हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते, ये मौजूद है। अच्छा ये होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें, पर अभी दुनिया में समस्या ये है कि दुनिया के कुछ धार्मिक संस्थानों ने ये रवैया अपनाया है कि इंसान का शरीर ही गलत है। इस वजह से संस्कृतियों ने इसे छिपाना शुरू कर दिया। वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छिपाया, पर अंग्रेजों के आने के बाद हम अंग्रेजों से ज्यादा दकियानूसी हो गए। पर अगर आप उस समय से पहले के मंदिर देखें तो मंदिरों के बाहर की सभी कलाएं अश्लील हैं, अगर आप अश्लील कहना चाहें तो। पर हम उन्हें अश्लील नहीं कहते, हम सिर्फ इंसानी शरीर के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे गलत नहीं मानते, हम बस इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं। अगर आप सिर्फ वहीं रहते हैं तो आप हमेशा भौतिक आयाम में रहेंगे, आप कुछ और नहीं तलाशेंगे। तो मंदिर में हमेशा ये बाहर होता है, आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज है, और जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना, पर साथ ही इसे नकारना नहीं, न इसका महिमा मंडन करना, न ही इसे नकारना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पर आपके कॉलेज में इन चीजों को देखा जाता है, आपका इंटरनेट या जो भी, लोग मुझे बताते हैं, किसी ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता कि यह प्रतिशत सही है या नहीं। जब मैंने पूछा कि सामग्री क्या है, मैं इंटरनेट और इसकी सामग्री को समझने की कोशिश कर रहा था, इंटरनेट पर वास्तविक सामग्री क्या है, उन्होंने मुझे बताया, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर 70% सामग्री अश्लीलता है। उन्होंने मुझसे कहा 70%, मैंने कहा 70% अश्लील चीजों का होना गलत है और ये एक बीमारी है, अगर ये एक छोटा प्रतिशत हो तो ठीक है। 70% एक तकनीकी मंच पर जहां लाखों चीजें हो सकती हैं, दुर्भाग्य से वहां अश्लीलता है। जीवन का सिर्फ जीव विज्ञान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो आपका शरीर आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपके दिमाग में इतनी क्षमता इसलिए है कि आपकी बुद्धि आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बने, और अगर आप सचेत हो जाएं तो आपकी चेतना आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाती है। शरीर एक बैल का मुख्य हिस्सा है, ये उसके लिए ठीक है, वो बस यही जानता है, पर शरीर मानव जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो आपके जीवन के एक चरण में ये ऐसा होता है, तो जीवन के कुछ चरणों में आप सिर्फ इसकी बातें करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, कभी कभी आप इसमें लिप्त होते हैं, ये जीवन के गुजरते हुए चरण हैं। आपके लिए ये किस हद तक जरूरी हैं, इसे आप सबसे अच्छा तय कर सकते हैं। आपकी शारीरिक जरूरतें नहीं हैं, आप में हैं, ये ठीक है, पर इसे आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपके जीवन का मूल हिस्सा, क्योंकि इससे आप में एक कमी आ जाएगी। आप एक प्राणी थे जो पूरी तरह से शारीरिक था, फिर आपका विकास हुआ और अब आप में शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धि है। देखिए, जानवरों की बुद्धि सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है, भोजन कैसे पाया जाए, अपना साथी कैसे पाया जाए, यही उनका पूरा जीवन है। अगर मानव बुद्धि भी इसी तरह काम करे तो आप विकास की प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे हैं, आप वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की प्रक्रिया को पीछे ले जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास शरीर नहीं है, शरीर की अपनी जरूरतें हैं, जैसे कि शारीरिक भूख है, वैसे ही कामुकता है, आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है, पर किस हद तक ये आपको चुनना है। पर निश्चित रूप से ये आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि और चेतना को मुख्य हिस्सा बनाने की विकास योजना को पीछे ले जा रहे हैं, इसके बजाय आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं। आप जानते हैं कि वीर्य आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है, चाहे आप पुरुष हो या महिला, क्योंकि यह आपका 50% हिस्सा है। हाँ,
हमारे पास त्वचा है, हमारे पास कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं, दिल, लिवर, किडनी, बहुत सी चीजें हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है। But semen is of an extraordinary level of potency. It can create a whole new life. पर वीर्य में असाधारण शक्ति है, ये एक नया जीवन बना सकता है। आज आप एक उपकला यानी एपिथीलियल कोशिका लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है? तो क्षमता यहाँ भी है, पर उस तरह की क्षमता नहीं है जितनी कि उस कोशिका में है जिसे आप वीर्य कहते हैं। तो यौगिक संस्कृति में इसे वीर्य कहा जाता है। वीर्य का एक अर्थ वज्र भी है, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, स्टेबिलिटी और डायमंड, व्हिच इज द हार्डेस्ट थिंग, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर को वज्र के समान माना जाता है। इसका मतलब है कि ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो इसके उपयोग का एक तरीका है कि आप इससे बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये एक बात है। अगर आप ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग इसे JNU की चादरों पर फैला रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिसे नैतिक रूप से आका नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी मजबूरी किस स्तर पर है। शरीर की किसी भी चीज से क्या हम एक अलग स्तर का काम कर सकते हैं? बिल्कुल। सिर्फ वीर ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, लोग इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं, पर अगर आप उपकलता यानी एपिथीलियल कोशिकाएं बनाना चाहते हैं तो शरीर इस पर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसके मुकाबले अगर आप एक वीर्य की कोशिका बनाना चाहते हैं तो शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है वो बहुत अलग है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जब आप इतनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है कि अगर आपको खोजना आता हो तो इसमें क्षमता है, लेकिन क्या आप में खोजने की क्षमता है? क्या आप खोज करने में सक्षम हैं? क्या आपके पास ऐसा करने के लिए जरूरी साधना और मार्गदर्शन है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है।